नदीन आज हमारे साथ मौजूद है शादियों की सीजन की बहती गंगा में हाथ धोते हुए मॉडर्न ड्रेस डिजाइनर ज़ेवियर्स। ज़ेवियर्स प्लीज कैमरा ऑन है, सीधे होके बैठो। जो नहीं, मैं तुम्हें पहले भी कहता हूँ, फोन पे ही बता देता हूँ, मैंने कभी पाबंदियों में जिंदगी नहीं गुजारी। यार मैं तुम तो कौन सी पाबंदी लगा रहा हूँ, कम से कम शो के थोड़ा सा प्रोटोकॉल तो मुझे जैसे कंफर्टेबल लग रहा है मैं बैठ गया हूँ। और यार व्यूअर्स को कंफर्टेबल नहीं लग रहा ना, और व्यूअर्स दे मोदियां ते बैठा हूँ। और मेरी बात सुनो ज़ेवियर्स, तुम्हारे खिलाफ हम तक एक शिकायत पहुंची थी, हमने उस शिकायत को डिस्कस करने के लिए तुम्हें भी बुलाया और शिकायत करने वालों को भी बुलाया। जरा सीधे होकर बैठो। मेरी शिकायत किन्हें ला दी थी? ये है, ये दुल्हा मियां, इनकी अगले हफ्ते इस बच्ची के साथ शादी होने जा रही है। ये शिकायत बच्ची के मां प्यो नु लाओ, मेनू कद नहीं ला रहे। अरे मामला ये है कि ये शेरवानी सिलवाने के लिए दुल्हा मियां तुम तक पहुंचे थे, तुमने इसी डिजाइन की बिल्कुल यही शेरवानी सीने के लिए इनसे 2.25 लाख रुपए तलब किए थे। और ये जो तुम्हारे साथ बैठे हुए हैं आम से सादा से टेलर मास्टर साहब, इन्होंने 18,000 रुपए में सी दी है। मैं भी कहूँ इसको, मैंने कहाँ देखा हुआ है। 2.25 लाख रुपया अगर मांगा था तो ठीक ही मांगा था ना, किसी चीज का ही मांगा होगा। किस चीज का मांगा था? भाई जो इसने पसंद की होगी। यार एग्जैक्टली वही चीज मास्टर साहब ने 18,000 में सी दी है। वही चीज इन्होंने कैसे सी दी है? ये मूनल सिंह देने सोचो, कहाँ 18,000, कहाँ 2.25 लाख रुपया। 1 मिनट प्लीज, आप ना इंटरप्ट करें प्लीज। क्यों? डिजाइनिंग की बात हो रही है, कोई खोती रेडी नहीं उल्ट गई जरा तुम्हें बीच बोलने लग पड़ो। बात ये है कि वही चीज अगर इन्होंने सी दी है तो आपने वो देखी है? हाँ देख रहा हूँ सामने। उसके पीछे क्या ज़ेवियर्स का टैग है? नहीं है। तो फिर सेम चीज कैसे हो गई? इसका मतलब है तुम सिर्फ उस टैग के पैसे लेते हो, अपने नाम के पैसे लेते हो। तो नाम के ही पैसे होते हैं, और डिजाइनिंग में क्या चल रहा है? काका उस्तादी शिगिरदी दा काम में शेरवानी आवी काफी टाइम हो तेरा। खोल दे तू, केड़ा सिरीला खाना के तेरी छाती ते डिग पैंदे। ज्यादा शोखी करने की जरूरत नहीं है उस्ताद, आप उनके साथ बात करें। और मेरे लिए नहीं आए हुए, उनके लिए आए हुए हैं, उनके शो में बैठे। मास्टर साहब आप मुझसे बात करें प्लीज। जी मैं अल्लाह के फजल से अपने आउटलेट में आप जैसे को घुसने भी नहीं देते। बहू जी काम है उस्तादी शिगिरदी का। उस्तादी शिगिरदी असि मिनट बाद कोट लांदा, मिट्टी की ट्राली ला के आया। बहू जी इन्हां नूं की पता होवे कि सलाई किस बला दा नां है? मंडिका जिहा हुंदा सा जदों दा काम शुरू कीता। आप भी निक्के जी नहीं हो, आप कौन सा तुम्हें लोग टार्जन टार्जन कहने शुरू हो गए। जा भाई जब छोटे से थे उस वक्त तो मेरा ख्याल सुई का काम भी खुद ही करते हो। यार एक मिनट बाबू जी इन्हां नूं की पता होवे, असी ते उस्तादां दीआं जुतियां सिद्धियां कीतियां। तुम बस जूती सीधी करने जोगे हो, बल्कि दर्जी खाना अपना बंद करो, किसी दरबार पे नौकरी कर लो। 500 रुपए रोजाना पे जूते सीधे किया करो। यार ज़ेवियर्स बात का जवाब दो ना, किस बात के तुमने 2.25 लाख रुपए मांग लिए? ठीक है तुमने ब्रांड के नाम के पैसे मांगे, 10,000 मांग लो, 20,000 मांग लो, और मुंह खोल के वो भी इतना बड़ा 2.25 लाख रुपए मांग लिए। मैंने मुंह खोल के पैसे नहीं मांगे, मैंने मुंह देख के पैसे मांगे। क्या मतलब? हम क्लाइंट का मुंह देख के पैसे मांगती है। यार इसका मुंह देख के 2.25 लाख मांग लिए, उसे अंडर एस्टिमेट ना करो प्लीज। यार उसका मुंह देख के तो गोलगप्पे वाला 4 गोलगप्पे फ्री दे देता है। ये जंज वापस जाएगी। बेजा पुत्रा है बड़ी मुश्किल है। नहीं बताओ ना यार, थे पहले जानी उठे थे पहले पड़ लो। इधर जवाब दो, लूट मार की हद होती है यार। जो नहीं यू नो केमिकल फैक्ट्री का मालिक है ये, तो बस लूट लो फिर। लूटना किस लिए है? जाहिर है उसके स्टैंडर्ड के मुताबिक भी चीज बना के देनी थी ना। यार तुम बिजनेस देख के पैसे मांगते हो, और वैसे भी उसकी केमिकल की फैक्ट्री नहीं है, केमिकल का बिजनेस करते हैं लोग बेचारे। बच्चा बैटरी है कि तेजाब भरता है। अबू मैंने तो महल च भी जुगता होंगे रही कुड़ी का दिल ना ठंडा हो जाए। पुत्रा मैं तो यह सोचन दिया कि इन्ने नुक्स तेरे कुड़ी वाले ने नहीं कटे। ये क्या बनवाया इसने?
अगर 18,000 में बना दिया तो क्या बनाया? बेतुका सा और पुराना डिजाइन। बिल्कुल नहीं, एग्जैक्टली मास्टर साहब ने वही बनाया है जो उन्होंने मांगा था और जो डिजाइन तुम्हें भेजा था। मेरे पास इनकी व्हाट्सएप है। मुझे कंफ्यूज ना करो, इसने कहां से व्हाट्सएप भेज दिया? इसके पास तो 33-10 है व्हाट्सएप, ये खुद फोन में घुस के छोड़ के आते। असल मौजू की तरफ कभी नहीं आएगा। मैं आपको खुल के बता दूं, ये जो इन्होंने एम्ब्रॉयडरी करवाई है ना, मैंने ये चांदी की तार से करनी थी, जो इन्होंने फजूल सी आर्टिफिशियल सी तार से करवा दी है। ओ भाई, मैंने यार सुचे तिले का काम करवाया, लाड़ा पावे सुचा नहीं। ये जंज वापस जाएगी। ओ भैया पुत्र, इस टाइम तो चिंगची भी नहीं लपनी। बताओ ना सीरियस, क्या मामला है? ये बेशक इसने सुचे तिले का काम करवाया, बेशक झूठे तिले का। इसकी शेरवानी के इधर टैग नहीं है सीवीएस। तो टैग नहीं तो क्या हुआ यार, इधर मुंडे ने इंज फिरना। शोखी नहीं करो, तुम पहले भी कह डिजाइनिंग की बात हो रही है, तुम्हें बीच में बोल यार। मुझे लगता है कि ब्याह वाले दिन मुंडे ने ऐसे फिरना। मैं सीरियस हूँ यार, मेरा क्लाइंट है, अगर वो बेचारा फंस गया इस चकचुंदर के पास तो उसको झुकते ना करो। तुम ऐसे काम करके कंपैरिजन शुरू कर देते हो, इस बात के जवाब क्यों नहीं देते कि बच्ची की शादी सर पे है, उसका अभी तक तुमने लिबास तैयार नहीं किया। यू नो मेरे कारीगर के साथ क्या हुआ? क्या हुआ? छत गिर गई उस बेचारे। हेलो, जिन्हों दी छत कच्चियां उन्हें सिलाई पक्की की करनी। मजाक नहीं कर रहा, उस बेचारे का घुटना टूट गया। MRI हो रही है अब उसकी। यू नो MRI? MRI दा रो पा रहा था डेटे। तू ते चुप कर, सट ते गंडा ते हल्दी बनना। बात कर रहे हो, अब तुम्हारा कारीगर अगर जख्मी हो गया तो वो लोग अपनी शादी आगे कर दे? जिहो जिहा मुंडा ही शादी अगे हो ही जानी। बोले तुझे शेव कराना है? आई मीन वो बच्ची जो है ना, यू नो ZBS की फैन है, और उसने अपने पेरेंट्स से कह दिया हुआ है, जब तक ZBS का ड्रेस नहीं आएगा अब सिल के, तब तक मैं शादी की डेट तय नहीं होने दूंगी। क्या मतलब? जी बिल्कुल, मेरी सब फ्रेंड्स का भी यही स्टार है कि जब तक मुझे ZBS का ड्रेस नहीं मिलेगा मैं शादी नहीं करूंगी। अब बताओ हाल तो गई यार वैसे। काकी किहो जिया ने तेरिया सहेलिया जिन्हों ने ZBS से रट्टा पाया ते लाड़े ते रट्टा ही नहीं पाया। अबू लगता सेगमेंट मुकद्या मुकद्या ना हो ही जानी। जो पुत्र असी आए सदो क्या फुल पत्तियां सुटिया सी। असल बात यही है कि बच्चों की जिद और सोशल स्टेटस की दौड़ है, इसने सारा मामला बर्बाद किया। सही कहा जी आपने, बच्चों की जिद ही माँ बाप का कबाड़ा कर देती है। इस मास्टर को भी छोड़े जी, हमारे घर के बिल्कुल सामने दर्जी बैठा हुआ है और हमारे खानदानी दर्जी है वो। अच्छा, मेरी शादी की शेरवानी भी उसने ही सी थी। आपकी शेरवानी भी उसने सी थी, पर वो दर्जी तो ना वह तंबू सीने वाला उसी से सिलवा लो इसकी भी। और काका जिस वक्त वो शेरवानी पहन के मैं घोड़ी पर बैठा था ना, तो घोड़ी ने कहा होगा एक्सक्यूज मी। नहीं यार, उस घोड़ी पर आज तक दोबारा कोई नहीं बैठा। जी जी जी, अच्छे पूरी बरात कहना शुरू हो गई थी, लाड़े नु छड्डो थल्लो घोड़ी चुको। ये जंज वापस ही जाएगी। और बह जा पुत्र, पहले जंज नु पहुंच ते लैन दे। बैठ जा यार, घोड़ी ते तेरे अब्बे ने मेरे ते छड्डी है ते जंज तेरी मैटर ते जाने। पौने 2 लाख रुपया मंगया ते फिर बदाम तोड़ने की थोड़ी वाले तुर पिया। मास्टर साहब ने तो जायज पैसे मांगे ना, कहां पौने 2 लाख, कहां 18,000 रुपए। तो फर्क भी तो नजर आ रहा है, रत्ती बराबर भी फर्क नहीं है। देखो बिल्कुल शहजादा लग रहा है। बकवास झूठ यार, ये तुम्हारे जो दांत निकल रहे हैं वो बता रहे यार। क्या मतलब? हंसी तो मेरी भी निकल रही है। तुम यहां से नीचे नीचे देखो ना फिजान, बी कॉन्फिडेंट, बहुत प्यारे लग रहे हो तुम। अबू ये जांजे थे रे।
एक दी गाल ते नहीं लगी दा होंदा मशवरा ज्यादा लोकां नाल कर ले यार तुम्हें क्या तकलीफ है वो दोनों आपस में मोहब्बत करते चलो जी हमें क्या अच्छा बात हो रही थी दुल्हन का लहंगा लेट होने की इन लोगों के टिपिकल बहाने हैं लेट करने के कभी कह देते हैं जी हमारा फलां कारीगर भाग गया है कारीगर जख्मी हो गया है मेरी खाला फौत हो गई है फलां हो गया तुम कहोगे यार तुम लोग असल बात तो यही है कि जरूरत से ज्यादा काम पकड़ लेते हो पर वक्त मुकम्मल नहीं कर पाते लोग सिफारिशें लेके आती है मिन्नतें करते हैं कि प्लीज यस सीधो हमारा हमने नहीं किसी और से सिलाना तो फिर क्या करें मैं तो कह रहा हूँ कि लोगों का भी कसूर है कई लोगों ने अपने ब्रांड्स डेवलप किए हुए हैं ऑनलाइन और उनके पास कोई कारीगर नहीं है खुद भी वो बिल्कुल सीने सिलाने का नाम तक नहीं जानते किसी और से काम करवा के हवाले कर देते हैं और लोग खुश हो जाते हैं हाँ जी। तो फिर मानती हो ना चलता तो सिर्फ ब्रांड है अब तो मैं तो कह रहा हूँ ना मत मारी गई इन लोगों की बाकी का तो पता नहीं लड़की की वाकई मत मारी गई पिजोन लड़की की वाकई इसलिए मत मारी गई है कि तुम्हारे ड्रेस पे इसरार कर रही है वो जानती है ना ZBS की क्वालिटी को खराब क्वालिटी है तुम्हारी तुम लोग जानबूझ के सिर्फ अपने लालच के लिए काफी सारा काम पकड़ लेते हो आखिर तक मुकम्मल नहीं कर पाते आखिर में जाके देते हो ना आप में कमी बेशी पर कोई उसको दुरुस्त करने के लिए टाइम ही नहीं देते किसी की पेंट छोटी हो गई किसी का कोट छोटा रह गया किसी का लहंगा बड़ा कर दिया लाखों रुपया लेके लिबास का बेड़ा गर्क कर देते हो लाखों रुपया मुफ्त में नहीं ले लेते काम का लेते हैं काम का नहीं नाम का लेते हो और एक और तरीका वारदात ये है कि पुराना सूट उठा के उसको रिफर्बिश करके नया बना के लाखों में दोबारा बेच देते हो सोलह ने गल सही की थी चल पहली गल करोड़ दी सी उन सोलह ने मैं तो इन्हू भी आखिया सी कि मेरी शेरवानी पई हुई है मैं एक दिन पाई है उन्हें छोटिया करवा ला छोटा भी ना करावे तो आड़ी शेरवानी जी दौड़ता दौड़ता कुड़ी वाले वाले पहुंच जाए अब तुसी भी ध्यान करते हो ना छे बार मैं छोटी कराई तुहाडी शेरवानी वो फेर भी खुली सी सती बार मैं छोटी कराउन गया वो दर्जी छित्तर फड़ के मेरे पिछे दौड़े